नमस्कार साथियों, आज हम जम्मू में आए हैं, इसलिए आए हैं कि जम्मू और कश्मीर के जो भाई हैं, जो साथी हैं, जो लोग हैं, उनको बताएं कि देश में आज जो चल रहा है, जो किसान आंदोलन चल रहा है, जिसको किसान आंदोलन का नाम दे रहे हैं, लेकिन वो जन आंदोलन है और मैं तो उसको धर्मयुक्त बोलता हूँ। तो देश में जो तीन नए कानून बनाए गए, उनसे पूरा कृषि व्यापार चंद पूंजीपतियों के हाथों में चला जाएगा और उसका नुकसान ये होगा कि देश के हर वर्ग का जो है वो नुकसान होगा, चाहे उसमें पैदा करने वाले हैं, चाहे उसमें बीच के छोटे व्यापारी हैं, चाहे उसमें जो है वो खाने वाले उपभोक्ता लोग, उन सब का नुकसान होगा और भुखमरी के कगार पे देश पहुंच जाएगा। क्योंकि हमारे देश में आज भी जो है वो 94 स्थान हमारे देश का पहुंच गया भुखमरी वाले देशों में। तो सोने की चिड़िया देश था, आज मिट्टी की चिड़िया बन गया है। तो भुखमरी पहले से इस कदर है कि लोग जिंदा रहने की स्थिति में ही नहीं है, और ऐसे हालात में जो पूंजीपति लोग हैं, अगर वो पूरा जो खाद्य पदार्थ है उनका ब्लैक करने की पावर उनको मिलती है तो पैदा करने वाले से कम भाव पे खरीदेंगे और खाने वाले को ज़्यादा से ज़्यादा भाव पे बेचेंगे, जैसा पीछे दाल में हुआ, जैसा आलू में हुआ, जैसा प्याज में हुआ। और इस तरह से जो है ये एक धर्म युद्ध हम इसको मानते हैं। और पिछली 27 तारीख से बैठे हुए हैं, यानी करीब आज 40 दिन हमें हो गए हैं दिल्ली की सड़कों पे बैठे, और करीब 70 के करीब किसान हमारे शहीद वहाँ पे हो चुके हैं और 5-6 लोग तो सुसाइड भी कर गए हैं। तो सरकार अभी तक सुन नहीं रही है और हमारी मुख्य तौर पे दो मांगे हैं कि एक तो जो तीनों कानून है वो वापस लिए जाएँ, और एक जो न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून है, MSP का कानून है, उस पर खरीद की गारंटी दी जाए। अभी तो सरकार जो है वो कहती है कि हम MSP दे रहे हैं, लेकिन उसकी खरीद नहीं रहे, उसकी खरीद की गारंटी का कानून बनाया जाए। तो ये दो मांगे जिन पे मुख्य तौर पे आंदोलन शुरू हुआ था, उनका पेच वहीं का वहीं फंसा हुआ है। 7 बातचीत हो चुकी है और 7 की बातचीत के बाद भी अभी तक हल उसका नहीं निकला है, और अब आगे 8 को फिर उन्होंने बुला लिए हैं। तो 8 को देखें क्या होगा, लेकिन जो पोजीशन है देश की वो आज ये है कि पूरे देश का जो पैसा है वो चंद पूंजीपतियों के हाथों में जा रहा है और बाकी जो देश है वो उनका भोजन बन गया है। जो आम जनता है वो कारपोरेट का भोजन बन गई है। आज एक आदमी की आमदन 90 प्रति घंटे की है और दूसरे आदमी की आमदन हमारे देश में 9 प्रति घंटा भी नहीं है। तो ये जो गैप है, और अभी 90 वाला उस 9 वाले को खा रहा है, तो ये एक बड़ा मैटर देश के लिए। उसके लिए हम जो हमारे कश्मीर के और जम्मू के भाई हैं, हम उनसे ये प्रार्थना आपके माध्यम से, प्रेस के माध्यम से ये करना चाहेंगे कि ये धर्म युद्ध है, इसमें सभी को साथ देना चाहिए। सवाल देश को बचाने का है, ये सवाल भुखमरी से लोगों को बचाने का है। तो इसमें जम्मू में और कश्मीर में भी वो भाई आंदोलन शुरू करें, यहाँ के लोग, यहाँ की आम जन जो है वो आंदोलन शुरू करें लोकतांत्रिक तरीके से। हमें कोई तोड़फोड़ नहीं करने, कोई आगजनी, कोई उपद्रव नहीं करना, लेकिन हम जो है वो शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन करें। और उसमें जो है वो 26 को गणतंत्र दिवस पे हमने ट्रैक्टरों से और अपने व्हीकलों से ये परेड करने का, सभी जिला हेडक्वार्टरों पे और जो दिल्ली के नज़दीक का एरिया है NCR का, वो लोग दिल्ली के अंदर ट्रैक्टर परेड करेंगे और